छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने मंगलवार 16 अप्रैल को सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए कांकेर इलाके में 29 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। इन सभी माओवादियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि तलाशी अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों और राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड के 1 कर्मी सहित 3 सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आई हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक अगर मारे गए नक्सलियों का आंकड़ा 30 को पार कर जाता है तो पिछले 10 सालों में फोर्स की ओर से किया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। इससे पहले ग्रेहाउंड कमांडो ने 2016 में एक ऑपरेशन में 30 नक्सलियों को सफाया किया था। 2021 में एक अन्य ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली नेता मिलिंद तेलतुंबडे को 25 अन्य लोगों के साथ मार गिराया गया था। हालांकि यह पहला ऑपरेशन होगा जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों का सफाया किया गया और सुरक्षा बलों की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3 SLR, 1 AK-47, 2 पिस्तौल और 2 INSAS बरामद कर लिए गए हैं।